प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube ऐप एंड नेवर। सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पर। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक लेटेस्ट, एक इंटरेस्टिंग और एक बहुत ही नॉलेजेबल वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें आप देखेंगे मशहूर पत्रकार आरजू काजमी जी को, जिनके स्पेशल गेस्ट होंगे हरी मोहन जी, जो कि एक जबरदस्त जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट है, वो जबरदस्त टीचर है और आईएएस की कोचिंग भी देते हैं, इसलिए वो भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में बहुत ही जबरदस्त नॉलेज और गहरी पकड़ रखते हैं। तो इस वीडियो को अंत तक देखें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लिए ऐसी इंटरेस्टिंग और लेटेस्ट वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद जय भारत। बात है जी हरिमोहन जी, और हरिमोहन जी को कौन नहीं जानता, आप सब लोग यकीनन इनके चैनल्स भी देखते हैं, इनकी बात भी सुनते हैं, टीचर भी हैं। बहुत शुक्रिया सर, क्या जा पाए, थैंक यू सो मच। थैंक यू आरसू जी, थैंक यू वेरी मच। आज मैं हरिमोहन जी आपसे समझना चाहूंगी कि, या बल्कि हमारी सारी ऑडियंस ही समझना चाहेगी कि पाकिस्तान में बार बार आपने देखा कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आती है लेकिन चल नहीं पाती, उनसे कुछ ना कुछ गलतियां होती रहती हैं, टाइम से पहले हटा भी दिया जाता है, डिक्टेटरशिप भी कई बार आई है। डिक्टेटरशिप जब आती है तो कहते हैं कि जी डॉलर रेट भी रुक जाता है, महंगाई भी रुक जाती है, बड़ी चीजें ठीक हो जाती हैं, जो कि बहुत अजीब सी बात है। तो ये सिविलियन गवर्नमेंट्स चल क्यों नहीं पाती हैं, और ये डिक्टेटरशिप बार बार जो आती है, अभी आजकल फिर लोग डरे हुए कैसा ना हो कि जी फिर जो है वो हाफिज साहब जो है उनका कोई मूड बन रहा है कि क्या हो रहा है, इस किस्म की बातें हमारी चलती रहती हैं। तो आपके ख्याल से पाकिस्तान जो है वो एक नॉर्मल कंट्री की तरह जो है वो आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा? सबसे पहले तो थैंक यू, आपने इतना प्रेस्टीजियस चैनल पर बुलाया मुझे और क्वेश्चन पूछा कि पाकिस्तान के मामले में, और इतना डेयरिंग दिखाई, ये सबसे बड़ी बात है। मेन बात देखिए मैडम क्या है, पाकिस्तान की एक सिनारियो कि पाकिस्तान बना नहीं था, बनाया गया था। पहली बात, अगर एज अ न्यूट्रल फॉर्म, एक इंडियन की फॉर्म से अलावा, क्योंकि पाकिस्तान की सबसे पहली आवाज जो बेशक चौधरी रहमत अली का एक आइडिया था PAKISTAN वाला, लेकिन अगर आप उठाकर देखेंगे तो असली आइडिया ऑफ पाकिस्तान डेवलप हुआ था अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में। आपके यहाँ तो सिकंदर हयात खान और खान अब्दुल खान ये सब थे, इनमें से कहीं मुस्लिम लीग थी नहीं। मुस्लिम लीग का बेस अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में था, वहां से निकलता है पूरा आइडिया, वो पूरा का पूरा बेस कार्डर। सोचकर देखिए 1946 के जब इलेक्शंस होते हैं तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के इलेक्शन, वो जो एग्जाम थे उनको 6 महीना पोस्टपोन करवाया जाता है, क्योंकि एएमयू का मैक्सिमम स्टूडेंट मुस्लिम लीग के कार्डर की फॉर्म में पाकिस्तान के अंदर गलियों के अंदर काम कर रहा था, कैसे भी करके उनको प्रमोट कर रहा था मुस्लिम लीग के आइडियाज को। तभी आप देखेंगे यूनियनिस्ट पार्टी, कृषक प्रजा पार्टी, ये जितनी भी पार्टियां आपके सिंध में और पाकिस्तान वो पंजाब में थी, वो सारी की सारी मुस्लिम लीग से कहीं ज्यादा डोमिनेट थी। और इधर बंगाल के अंदर जो थी वो एक अलग पार्टी थी, वहां पर बंगाल में कृषक प्रजा पार्टी थी, पंजाब में जो थी वो यूनियनिस्ट पार्टी, और सिंध के अंदर जो थी एक सिकंदर हयात खान की और अल्लाह बख्श की पार्टी थी, अल्लाह बख्श की पार्टी होती थी। मैम आप सोच कर देखिए एकदम से ऐसा क्या हुआ जिससे सारी पार्टियां या तो सरेंडर कर गई या मुस्लिम लीग से किसी ना किसी तरीके से एसोसिएट कर गई जस्ट 2-3 साल के अंदर। वो इसलिए क्योंकि एक ब्रिटिश जो पूरा सिस्टम था वो मुस्लिम लीग के साथ खड़ा हुआ था और इनको मजबूर किया गया कि कैसे भी करके आप इसमें इन्वॉल्व हो जाओ या इसके साथ एसोसिएट करो, मर्ज हो जाओ। आइडिया डेवलप होता है एएमयू से, दो कंट्रीज बन जाती हैं, लैंग्वेज बनाई जाती है उर्दू, आपके यहाँ है तो पंजाबी है, सिंधी है, बलोची है, उर्दू तो है ही नहीं। तो मैडम ये बनाया गया, तो जिस सिस्टम की, पॉलिटिकल सिस्टम की बात कर रहे हैं, इंडिया के अंदर वो पॉलिटिकल सिस्टम कांग्रेस का था, जो प्रधानमंत्री से लेकर पीएम से लेकर ग्राउंड लेवल के कार्यकर्ता तक कांग्रेस के पास हर कोई मौजूद था, आपके यहाँ कोई मौजूद नहीं था मुस्लिम लीग के पास। क्यों? ताकि एक ऐसा कमजोर सा पॉलिटिकल सिस्टम वाला गवर्नमेंट कंट्री बनाया जाए जहां पर राजनीति की जा सके, आपकी स्ट्रेटेजिक, आपके बहुत सारे सरमाएदार कहते हैं स्ट्रेटेजिक लोकेशन आपकी इतनी अच्छी है जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस के अकॉर्डिंग कि जो कंट्री यहां पर होगा और जिस पावर के साथ आपका कंट्री होगा, जैसे कि आप कहते हैं, वो पावर हमेशा इस पूरे इलाके को कंट्रोल करे, इसमें कोई डाउट है ही नहीं। तो मैम ऐसी सिचुएशन में, ऐसी जगह पर किसी भी सुपर पावर का कंट्रोल बनाए रखना जरूरी है, और इसीलिए आपके यहां पर हमेशा
अमेरिका, पहले ब्रिटेन, फिर अमेरिका का इन्वॉल्वमेंट डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रहा। यही कारण है आपके यहां कभी डेमोक्रेटिक सिस्टम को डेवलप ही नहीं होने दिया, जिस भी पॉलिटिकल पार्टी ने रूट्स को गेन करने की कोशिश करी उसको उखाड़ कर फेंक दिया गया, वो लंदन के अंदर घूमता हुआ नजर आया या लंदन भागा हुआ नजर आया। जिसने भी रूट्स गेन करी उसमें आपके किसी दूसरे या नॉन पॉलिटिकल सिस्टम का कोई रोल नहीं है, इसमें रोल है असलियत में बाहर की फॉरेन पावर्स का, जो चाहती ही नहीं है यहाँ कोई डेमोक्रेटिक सिस्टम इस्टेब्लिश हो। अच्छा, दूसरी बात, आपके यहाँ कोई भी ग्राउंड लेवल का पॉलिटिकल पार्टी डेवलप नहीं। आप जुल्फिकार अली भुट्टो को आपके यहाँ का बड़ा नेता मानते हैं, हमारे यहाँ के प्रधानमंत्री मैडम चाय वाले हैं, इनसे पहले वाले मनमोहन सिंह जो थे वो एक बहुत गरीब फैमिली से थे, 9 भाई बहन थे जिनका रोटियों के लाले पड़े हुए थे, वो मनमोहन सिंह। उनसे पहले अटल बिहारी वाजपेयी बिल्कुल एक सिंपल मास्टर जी के बेटे, टीचर के बेटे। उनसे पहले अगर आप एचडी देवगौड़ा को देखोगे तो किसान परिवार से आते हैं। उनसे पहले आईके गुजराल साहब जो थे वो अलग बहुत ही लो लेवल फैमिली से बन के आते, ब्यूरोक्रेट बन जाते। उनसे पहले पीवी नरसिम्हा राव एक स्टूडेंट यूनियन के नेता होते थे हैदराबाद से। उनसे पहले वाले अगर आप उठाते हो तो रॉयल फैमिली कौन सी थी? कोई थी नहीं, कोई रॉयल फैमिली नहीं थी। दो तीन ये गांधी परिवार को छोड़ दिया जाए लोग कहते हैं, लेकिन इतना ये भी नहीं, ये भी ग्राउंड लेवल से आए। मुगलों के दरबार में इनके 1717 में फरूख सियर के दरबार में जवाहरलाल नेहरू के परदादा जो थे वो थे क्या नाम है, अकाउंटेंट थे। अब आप अंदाजा लगा कर देखिए किस लेवल पर ये सारे के सारे ग्राउंड लेवल्स। आपके यहाँ वो जो जुल्फिकार अली भुट्टो हैं उनके जो पिताजी थे शाहनवाज भुट्टो मैडम, वो दीवान थे और जिन्ना के बहुत करीबी होते थे, उन्हीं का बेटा तो ये निकल के आया था। आप जितने आप उठाकर देख लीजिए, आप भुट्टो फैमिली उठाकर देख लीजिए, आप इमरान खान को उठाकर देख लीजिए, आप शाहबाज शरीफ को उठाकर देख लीजिए, नवाज शरीफ को उठाकर देख लीजिए, सारे के सारे रॉयल या एलीट क्लास से बिलोंग करते हैं। ये एक सबसे बड़ी रीजन है कि जानबूझकर ऐसे लोगों को पॉलिटिक्स में लाया जाता है ताकि ग्राउंड लेवल से कोई उठ ही ना पाए। आपके यहाँ कोई पॉलिटिकल पार्टी का बंदा ग्राउंड लेवल से उठ के नहीं आया। दूसरी बात ये, क्योंकि ग्राउंड लेवल से कोई उठ के नहीं आया तो ग्राउंड लेवल का और आपके पॉलिटिकल पार्टीज का बहुत ज्यादा कनेक्ट हुआ ही नहीं, कभी नहीं हुआ। हाँ, इतना जरूर है एक ऑरेटर खड़ा होता है बहुत अच्छा सा भाषण देने वाला, चाहे वो जुल्फिकार अली भुट्टा हुआ, उसके साथ क्या हुआ देख लीजिए। दूसरा ऑरेटर खड़ा हुआ है जुल्फिकार अली भुट्टो के बाद इमरान खान का, जिसको जेन्युइनली ग्राउंड से लोग सपोर्ट कर रहे थे, वो कहां है? दो के बारे में आप सोचकर देखिए। तीसरा, आपके यहां कोई अच्छा ऑरेटर नहीं रहा या ग्राउंड से कनेक्ट करने वाला, लोग जिसको फॉलो कर रहे हो, ऐसा कोई प्रधानमंत्री आपके यहां बना ही नहीं। बेनजीर भुट्टो जो है, मैंने उनके भाषण सुने हैं, वो ठीक है जैसा मर्जी देते भाषण, लेकिन खास बात ये, वो क्योंकि वो जुल्फिकार अली भुट्टो की बेटी है इसलिए ज्यादा उनका सपोर्ट। नवाज शरीफ बहुत अच्छे ऑरेटर मुझे कभी लगते ही नहीं, बहुत अच्छे पॉलिटिशियन कभी लग, वो डिप्लोमेट वो हो सकता है, जुगाड़बाजी अच्छे करते हैं, लेकिन कभी भी वो अच्छे वो नहीं है क्या नाम है नेता अच्छे नहीं है। बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग मुझे लगता है कि इनकी कभी है, मैंने खूब पढ़ा इनके बारे में कि बहुत जबरदस्त लेवल के हो ऐसा नहीं है, अल्टरनेट है, खुद की पोजीशन नहीं है। और यही रीजन है जिस टाइम ये भागते हैं सारा सब कुछ शांत हो जाता है, ग्राउंड लेवल पे कुछ नहीं है ना ये। उसके बाद सिर्फ एक पार्टी, एक बंदा ऐसा आया था जिसने जेन्युइनली एक सब बास पेज इकट्ठा किया, वो इमरान खान था। आप पॉलिटिकल पार्टी उठा के देख लीजिए, वो जो आप कहते हैं ना उस पॉलिटिकल पार्टी को जब हमारे कंपैरिजन करते हैं ना इंडिया के पॉलिटिकल पार्टीज से, तो मैडम आपके यहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज सच में कहीं पर नहीं ठहरती, सच में कहीं नहीं ठहरती। मगर सर आप, सॉरी सर आपकी बात काटती हूँ, एक सेकंड दूंगी। सर आप जैसे कह रहे हैं कि आपके यहाँ सब ग्राउंड लेवल से आए, जितनी भी प्राइम मिनिस्टर्स आए, पार्टीज आई, तो फिर सर ये आम आदमी पार्टी जब लॉन्च की गई थी तब तो यही कहा गया था कि आम लोगों के लिए है क्योंकि बाकी कोई पार्टी ऐसी है नहीं, ये बात भी तो आपके चली अभी, थी। अभी देखिए क्या है इसमें, आपको ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। आम आदमी पार्टी जनरली ग्राउंड लेवल से उठ के आई है। अरविंद केजरीवाल के पिताजी क्या है, एक सिंपल से मेरे ख्याल से गवर्नमेंट सर्वेंट हुआ करते थे, ठीक है, ये एक स्टूडेंट होता था, पढ़ लिख के आके निकल गया, हमने अपॉर्चुनिटी दी, अब ये खुद बदल गया।
और हमारा पूरा मानना है कि ये डीप स्टेट प्रोडक्ट है जिसके पीछे खालिस्तानियों ने भी सपोर्ट किया, जिसके पीछे मतलब जॉर्ज सोरोस ने भी सपोर्ट किया, फोर्ड फाउंडेशन ने भी सपोर्ट किया और एक हवा क्रिएट किया। और वो किसी दिन आराम से कभी आप चाहें तो अरविंद केजरीवाल पर खुलकर डिस्कशन कीजिएगा। इस पॉलिटिशियन के ऊपर मैं आराम मतलब मैं चाहता हूं कि मेरे से कोई आपके चैनल पे या आप किसी भी मतलब पाकिस्तान से भी सुने कि हम क्यों इस बंदे को रिजेक्ट कर रहे हैं और क्या रीजन है और उसके जो लिकर स्कैम है उसके पीछे के रीजन क्या है कि ये जो फंसे हैं। तो लेकिन आया तो ये भी तो ग्राउंड लेवल से ही है ना मैडम, बेशक किसी और ने सपोर्ट कर दिया बहुत ज्यादा कनिंग है लेकिन आया तो ये भी ग्राउंड लेवल से। मैं रॉयल फैमिली की बात कर रहा हूं कि कोई राजा महाराजाओं के खानदान से या बहुत बड़े बिजनेसमैन का बेटा, आपको हमारी पॉलिटिशियन में अगर देखेगा भी वो आ तो गया लेकिन उसकी कोई औकात नहीं है, उसको उठा के साइड में बिठा रखे कि तेरी इतनी औकात नहीं है जा दफा हो यहां से, क्योंकि यहां पॉलिटिकल पार्टीज स्ट्रांग है, लोकल लेवल पर लीडर स्ट्रांग है और आइडिया के बिहाफ पर सपोर्ट करते हैं, ना कि पैसे और हवाबाजी के नाम पर। हवाबाजी पे वो वोट बैंक बढ़ जाता है लेकिन कभी भी खत्म नहीं होता, यही रीजन है। आप दिल्ली में देख लीजिए, दिल्ली की लोकल जो बॉडी इलेक्शंस होते हैं उसमें कौन है? अरविंद केजरीवाल। लेकिन जैसे ही लोकसभा का इलेक्शन होता है वही आदमी जो एक थोड़ा टाइम पहले अरविंद केजरीवाल को सपोर्ट कर रहा होता है वो मोदी को जाके वोट डाल के आ जाता है। मैडम किसी भी अभी पिछले साल पिछली बार 2019 में जो दिल्ली में इलेक्शन हुए थे आप देखिए ना, उसमें 60% से ऊपर वोट पड़ा है मोदी को। किसी भी लीडर को 60% से ऊपर वोट पड़ना कितना जबरदस्त। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और आरजू कासमी जी और हरिमोहन जी का ये पूरा डिस्कशन आपको काफी पसंद आया होगा और इसमें आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा, जहां पे आपने देखा हरिमोहन जी ने कैसे बताया कि पाकिस्तान जो था वो बना नहीं था, बनवाया गया था, यानी पाकिस्तान को जबरदस्ती पैदा किया गया और शायद इसी बात का पाकिस्तान फायदा उठाता है क्योंकि पाकिस्तान की जो जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है वो बहुत ही जबरदस्त है, इसलिए दुनिया की हर जो बड़ी ताकत है वो पाकिस्तान के साथ रिश्ते बना के रखना चाहते हैं क्योंकि उनकी लोकेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आपने देखा हरिमोहन जी ने बात की भारत के प्रधानमंत्रियों के बारे में कि कैसे भारत के जितने भी प्रधानमंत्री रहे सब एक हम्बल बैकग्राउंड से है और वहीं पाकिस्तान में जो भी राज करता है चाहे वो आर्मी का हो या फिर पाकिस्तानी प्रधानमंत्री हो वो एक रॉयल या इलीट क्लास से आता है। तो इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? आप अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं और एक बार फिर चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और दमदार वीडियोस लाते रहें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी जबरदस्त और नॉलेजेबल वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।